नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं आज लगने वाले सूर्य ग्रहण की, कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, उसका मोक्ष काल क्या होगा, उसका सूतक का समय क्या होगा, कब हम पूजा पाठ कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखेगा, लेकिन ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसके बाद भी भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका समय क्या रहेगा। तो भारत में इसका समय जो है वो 4:29 शाम को 4:29 से प्रारंभ होगा और 6:09 तक चलेगा। और ये भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका समय अलग अलग हो सकता है। जो मैं समय बता रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ का समय बता रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ 4:29 पे, लेकिन हो सकता है कि आपके शहर में इसका टाइम थोड़ा सा अलग हो। तो जो समय है वो क्या है, 4:29 से 6:09 तक, यानी करीबन 1:32 का समय जो रहेगा, इतनी देर तक सूर्य ग्रहण रहेगा भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो सूतक है वो सूतक जो सूर्य ग्रहण लगना शुरू होता है उससे 12 घंटा पहले से शुरू हो जाता है। इसका मतलब है शाम को 4:29 से अगर शुरू हो रहा है सूर्य ग्रहण, तो सुबह 4:29 से ये चालू हो चुका है, यानी कि इस समय आप जो सूतक है वो चल रहा है। इस सूतक काल में या ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी जो धार्मिक कार्य है वो नहीं होते हैं, इसलिए सारे जो मंदिर होते हैं उनके द्वार, उनके पट बंद होते हैं, किसी प्रकार का जो पूजा पाठ हम इस समय नहीं करते हैं। ध्यान रखें कि जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं या जो पानी है, सब में आप तुलसी डाल के रखें, क्योंकि पहले से हमने बता दिया था कि आपको अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ आप बनाते हो उसके अंदर अगर तुलसी डालते हैं तो अच्छा रहता है, उसका ग्रहण का प्रभाव उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो हमने जान लिया कि सूर्य ग्रहण 4:29 से प्रारंभ होकर 6:09 पर तक रहेगा, यानी कि जो ग्रहण का मोक्ष है वो शाम को 6:09 पर रहेगा। इसके बाद स्नान करने के बाद ही आप कोई पूजा पाठ वाला कार्य कर सकते हो या कोई भी कार्य कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।